जान है वो मेरी। अगर किसी ने आँख उठा कर भी देखा तो जमीन में गाड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं loveviva.com फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और फिल्म से जुड़े अनसुने रोचक फैक्ट के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। loveviva.com ये एक एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 13 मई 2022 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंतू और आम्रपाली दुबे। फिल्म के स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी काजल राघवानी। फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की स्टोरी को लिखा था अनंजय रघुराज ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रदीप सिंह, प्रतीक सिंह और कोमल जी ने मिलकर। फिल्म में म्यूजिक दिया था रजनीश मिश्रा ने और इस फिल्म में लगभग 5 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने काफी शानदार थे जो कि आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 30 लाख रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 46 लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े अनसुने रोचक फैक्ट के बारे में। लड़कियों को छेड़ना तो दूर, अगर उनको देखियो लिए ना तो इतना जुती आएंगे कि मुंह चोंचा जैसा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंतू और आम्रपाली दुबे डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए नजर आती है, जबकि रियल लाइफ में आम्रपाली दुबे और प्रदीप पांडे चिंतू ये डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश ये दोनों डॉक्टर नहीं बन सके थे और एक्टिंग लाइन में आ गए थे। जाने हम तुम्हारी। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ है हम तुम्हारी जान, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। फैक्ट नंबर 2, ये फिल्म आम्रपाली दुबे और प्रदीप पांडे चिंतू की एज ए लीड एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद इन दोनों ने विवाह 3 और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में काम किया है और ये दोनों ही फिल्में आपको इसी साल देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म डायरेक्टर अनंजय रघुराज की डायरेक्ट की गई पहली भोजपुरी फिल्म थी और इससे पहले ये काफी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे जैसे कि पटना से पाकिस्तान और मेहंदी लाके रखना जैसी ऐतिहासिक फिल्मों को इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के जरिए उन्होंने एज ए डायरेक्टर के रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था और इस साल ये प्रदीप पांडे चिंतू के साथ भारत भाग्य विधाता जैसी बड़ी फिल्म भी लेकर आने वाले हैं। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के कॉलेज ग्राउंड का जो एक्शन सीन फिल्माया गया है वो अल्लू अर्जुन की फिल्म अला बेकुंतपुरमुलो से कॉपी किया गया था। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की पूरी शूटिंग यूपी की राजधानी लखनऊ में की गई थी और इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट होने में 29 दिन का समय लगा था। फैक्ट नंबर 6, ये फिल्म प्रदीप पांडे चिंतू की साल 2022 में रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इनकी फिल्म ससुरा बड़ा सतावेला और जय शंभू भी रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 7, ये फिल्म आम्रपाली दुबे की साल 2022 में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी। इससे पहले इनकी फिल्म आशिकी भी रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 8, जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था उस समय दो और बड़ी फिल्में भोजपुरी की रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी खेसारी लाल यादव की दुल्हनिया लंदन से लाएंगे और दूसरी फिल्म थी आनंद ओझा की रन, लेकिन उन दोनों ही फिल्म को loveviva.com ने पछाड़ दिया। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंतू के अपोजिट आम्रपाली दुबे नजर आई थी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आम्रपाली दुबे प्रदीप पांडे चिंतू से 7 साल बड़ी है। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म को फिल्मची चैनल पर 18 जून 2022 को चलाया गया था। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको फिल्मची चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये फिल्म मैंने देखी है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।